राजस्थान के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की भर्ती के लिए रीट परीक्षा के शुरू होने से पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में शिक्षकों के 46,500 पदों पर भर्ती का आदेश जारी किया था, लेकिन भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब इस भर्ती का विरोध कर रहे हैं। वो ट्विटर पर #readlevel2 पद 32,000 करो चला रहे हैं। विरोध लेवल 2 परीक्षा के पदों को कम करने को लेकर हो रहा है। दरअसल पहले सरकार ने लेवल 2 में 31,500 पदों पर भर्ती की बात कही थी, अब उसे घटाकर 25,500 कर दिया है, यानी 6,000 पद कम कर दिए गए हैं। उम्मीदवार इसी का विरोध कर रहे हैं। अब ये रीट परीक्षा क्या है, सरकार ने क्या कहा था और क्या हुआ, उम्मीदवारों का क्या कहना है, चलिए एक एक करके समझते हैं। रीट राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, यानी राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा। इस परीक्षा के जरिए ये तय होता है कि आप शिक्षक बनने के योग्य हैं या नहीं। ये परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 की होती है। लेवल 1 माने कक्षा 1 से 5 तक के टीचर्स और लेवल 2 माने कक्षा 6 से 8 तक के टीचर्स। राजस्थान सरकार रीट क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों की भर्ती शिक्षकों के तौर पर करती है। 26 सितंबर 2021 को रीट परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें लेवल 1 में 15,500 पद थे और लेवल 2 में 16,500 पद थे, यानी टोटल 32,000 पद थे। लेकिन लेवल 2 का पेपर लीक हो गया। 10 बजे शुरू होने वाली परीक्षा के पर्चे सुबह 8:30 बजे ही कुछ लोगों तक पहुंच गए थे। मामला सामने आया, बवाल हुआ, जांच हुई और 7 फरवरी को राजस्थान सरकार ने लेवल 2 की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। लेवल 2 की परीक्षा रद्द होने के साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर पर जानकारी दी थी कि लेवल 1 के 15,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया था कि लेवल 1 और लेवल 2 मिलाकर अब कुल 62,000 पदों पर भर्ती होगी। फरवरी में ही राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने ऐलान किया कि रीट परीक्षा जुलाई 2022 में आयोजित कराई जाएगी। उन्होंने कहा था कि रीट के बाद लेवल 1 और लेवल 2 के कुल 62,500 पदों पर भर्ती होगी। उन्होंने बताया कि इसमें से लेवल 1 के लिए 15,500 पदों पर पहले से भर्ती जारी है। शिक्षा मंत्री की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया, जिसके मुताबिक लेवल 1 के 15,000 और लेवल 2 के 31,500 पदों पर भर्ती होनी थी। जैसा कि उन्होंने बताया था, जुलाई में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा आयोजित करवाई। परीक्षा के नतीजे घोषित हुए। 17 अक्टूबर को अशोक गहलोत ने एक और ट्वीट किया, बताया कि 46,500 पदों की भर्ती होगी। यहां तक तो ठीक था, क्योंकि 62,000 में से 15,500 पदों पर तो पहले से भर्ती प्रक्रिया चालू है। बवाल हुआ उसके बाद, उन्होंने जुलखा उस पर। उन्होंने लेवल 2 के 6,000 पद लेवल 1 में ट्रांसफर कर दिए। माने पहले की वैकेंसी थी लेवल 1 में 15,000 पद, लेवल 2 में 31,500 पद। नई वैकेंसी थी लेवल 1 में 21,000 पद, लेवल 2 में 25,500 पद। इस मामले पर रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र सौरभ ने ललन टॉप से बात की। उन्होंने बताया, 2021 की परीक्षा में मेरा सिलेक्शन हुआ था, सरकार ने आखिरी मौके पर परीक्षा रद्द कर दी। अब परीक्षा के 3 महीने पहले सरकार ने 6,000 पद घटा दिए हैं, हमारी उम्मीदें कम कर दी गई हैं। सौरभ ने बताया, सरकार ने साल 2019 में रीट परीक्षा कराने की बात कही थी, लेकिन एग्जाम हुआ साल 2021 में। पेपर तो हुआ, लेकिन लेवल 2 की परीक्षा धांधली के चलते रद्द कर दी गई। शिक्षा मंत्री ने लेवल 2 में 31,500 पदों पर भर्ती की बात कही थी, लेकिन पदों की संख्या ही घटा दी गई है। ऐसा लेवल 2 वालों के साथ ही क्यों किया जा रहा है, हमारे साथ ही नाइंसाफी क्यों हो रही है, हम चाहते हैं कि सरकार 6,000 पदों को लेवल 2 में शामिल करे। राज्य सरकार का कहना है कि स्कूलों में छात्रों के नामांकन के आधार पर भर्ती की संख्या में बदलाव का फैसला किया गया है। हालांकि लेवल 2 के उम्मीदवार सरकार के इस कदम से बेहद नाराज हैं और वैकेंसी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए पूरी जानकारी इकट्ठा की थी हमारे साथी प्रशांत ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।